अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं बनाने जा रही हूँ प्याज भुजका, टेस्टी सा सालन। और इसको बनाने के लिए हमें क्या मसाले लगेंगे। आधा किलो गोश्त, नमक, गरम मसाले के साथ मैंने इसको गला लिया है। दही, सूखे मसाले, हरी मिर्च, अदरक लहसुन पेस्ट, हरा धनिया, गार्निश के लिए प्याज कटा हुआ, नमक स्वाद अनुसार। अब एक कुकर में हम तेल गरम करेंगे। तेल गरम होने के बाद हम उसमें प्याज ऐड करेंगे। आप चाहो तो कढ़ाई में भी कर सकते हो। प्याज को हल्का गुलाबी होने तक भून लेना। फ्राई करने के बाद उसे हम कुकर से प्याज को निकाल लेंगे। बहुत ही सिंपल लजीज रेसिपी है और नॉनवेज लवर को बहुत ही पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। प्याज तेल से निकालने के बाद अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और इसे हल्का सा भून लेंगे। अब मैं कुछ मसाले ऐड करूंगी। मैंने गैस की फ्लेम को लो कर दी है। सूखे मसाले, हरी मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, इन सबको अच्छे से मिक्स करके फ्राई कर लें। अब दही मिक्स करूंगी। दही मिक्स करने के बाद मसालों को अच्छे से भून लें। मसाला अच्छे से फ्राई हो गया है। तेल मसाले से अलग हो चुका है। बहुत ही अच्छी तरीके से मेरा मसाला भून चुका है। मेरा मसाला अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें गोश्त ऐड करूंगी। ये मैंने यखनी उबाल कर रखी थी पहले से। नमक, गरम मसाले के साथ गोश्त मैंने गला लिया था। अब मैं इसमें प्याज ऐड करूंगी, फ्राई किया हुआ, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और कुछ देर के लिए मैं इसे पकने के लिए छोड़ दूंगी। 5 से 10 मिनट के लिए मैंने इसको पका लिया है। ये मेरी रेसिपी तैयार है। मेरा प्याज गोश्त का सालन टेस्टी सा यम्मी सा बनकर तैयार है। अब मैं इसको हरे धनिए से गार्निश करूंगी। ये नान के साथ, चपाती के साथ, परांठे के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही यम्मी और टेस्टी सी डिश है ये। टेस्टी सा सिंपल सा प्याज गोश्त की रेसिपी बनकर तैयार है। रेडी टू ईट, वेरी टेस्टी एंड वेरी इजी।